हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टे स्टाइलिश विद जो। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कैनकन स्कर्ट के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैनकन स्कर्ट क्या होता है, आप कैनकन स्कर्ट को किस किस ड्रेस के साथ यूज कर सकते हैं, कैनकन स्कर्ट आपको कहाँ से बाय करना है और किस तरीके का कैनकन स्कर्ट आपको बाय करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैनकन स्कर्ट एक्चुअली में होता क्या है। आप देख सकते हैं कि कैनकन स्कर्ट कुछ इस तरीके का स्कर्ट होता है। तो ये पूरा एक हार्ड नेट होता है कैनकन स्कर्ट में, जिसकी वजह से आपके जो ड्रेस है उसमें एक बहुत ही अच्छा फ्लो आता है और वो काफ़ी एकदम घेरदार दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का हार्ड नेट का कपड़ा होता है कैनकन स्कर्ट में। अब जो रेडीमेड कैनकन स्कर्ट आते हैं उसमें ऊपर कमर की तरफ इस तरीके का स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, तो ये इसकी वजह से ये किसी भी साइज वाले को ये कैनकन स्कर्ट आसानी से फिट आ जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि एकदम टमी टकर के जैसा काम करता है, तो अगर आपका टमी थोड़ा सा बाहर भी है तो ये उसे भी अच्छे तरीके से सेट कर देता है। और आप देखेंगे तो इस कैनकन स्कर्ट में यहाँ पे दो नेट के कपड़े हैं, तो ये आपको ये यहाँ पे एक और एक ये दो नेट के कपड़े मिल जाएंगे। और इस कैनकन स्कर्ट में आपको यहाँ पे एक हुक भी मिल रहा है, तो इस पूरे कैनकन स्कर्ट में आपको इस तरीके का ये हुक मिलेगा। तो जो कैनकन स्कर्ट है वो दो तरीके के कैनकन स्कर्ट आते हैं, एक कैनकन स्कर्ट जो है वो विथ हुक आता है और एक विदाउट हुक आता है। जो विथ हुक कैनकन स्कर्ट आता है इस तरीके का, उसकी वजह से आपके ड्रेस को काफ़ी अच्छा घेर मिलता है और वो एकदम फ्लफी दिखता है, तो उससे ड्रेस का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो अगर हम बात करें कि आप कैनकन स्कर्ट को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो आप कैनकन स्कर्ट को अपने किसी भी लहंगे, स्कर्ट, अनारकली या गाउन के साथ में वेयर कर सकते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि कई बार अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी या कॉस्टली गाउन या लहंगा परचेज करते हैं कहीं से, तो उसमें कैनकन अंदर से ऑलरेडी लगा होता है। बट सारे जो हमारे स्कर्ट और गाउन अनारकली हैं उनमें कैनकन नहीं लगा होता। अगर आप हर ड्रेस में अलग से कैनकन लगाने जाएंगे तो उसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप अपने पास एक कैनकन स्कर्ट रख लीजिए और आप अपने किसी भी ड्रेस के अंदर उस कैनकन स्कर्ट को पहन सकते हैं। अब आपको कैनकन स्कर्ट परचेज कहाँ से करना है, तो आपको कैनकन स्कर्ट ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। मैंने ये कैनकन स्कर्ट जहाँ से परचेज किया, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। बट आपको कैनकन स्कर्ट को खरीदते वक्त ध्यान में क्या बातें रखनी है, जो कैनकन स्कर्ट आपको मार्केट में मिल रहा है उसका आपको घेर देखना है कि उसका घेर कितना है। क्योंकि अगर आप विदाउट हुक वाले कैनकन स्कर्ट को परचेज कर रहे हैं तो आप उसे किसी भी ड्रेस के साथ इजीली वेयर कर पाएंगे, बट अगर आप विथ हुक वाला कैनकन स्कर्ट वेयर कर रहे हैं तो आप उसे उसी ड्रेस के साथ में वेयर कर पाएंगे अच्छे से, जिस ड्रेस का जो घेर है वो आपके हुक का जितना घेर है उसके बराबर होगा। क्योंकि अगर आपके हुक का घेर ज़्यादा है और आपके स्कर्ट का जो घेर है वो कम है, तो ये जो कैनकन स्कर्ट है उसके साथ अच्छे से फिट नहीं होगा और उसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि अगर आप हुक वाला कैनकन स्कर्ट खरीद रहे हैं तो आपको उस साइज का खरीदना है, या तो फिर आपको उसके साथ उन्हीं ड्रेसेस को पेयर करना है जिसका घेर उसके कैनकन के घेर के बराबर हो। अब अगर आप कैनकन स्कर्ट को ऑनलाइन नहीं परचेज करना चाहते हैं, तो कैनकन का जो कपड़ा है वो मार्केट में भी होलसेल रेट पे मिलता है, तो आप उस कपड़े को भी बाय करके कैनकन स्कर्ट को खुद से स्टिच करवा सकते हैं। बट उसके लिए आपको एक ऐसा टेलर ढूंढना होगा जो आपको एक परफेक्ट कैनकन स्कर्ट स्टिच करके दे। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हुक वाला कैनकन स्कर्ट चाहिए या विदाउट हुक वाला चाहिए। आई सजेस्ट कि अगर आप हुक वाला कैनकन स्कर्ट यूज़ करेंगे तो उसका जो फ्लो है ड्रेस में वो बहुत अच्छे से आता है, बट आप उसे उन्हीं ड्रेसेस के साथ में पेयर कर पाएंगे जिनका जो घेर है वो उसके हुक के घेर के बराबर हो। अब इन कैनकन स्कर्ट के अगर प्राइस की हम बात करें, तो ये जो कैनकन स्कर्ट है वो आपको 500 से 1200 तक की रेंज में आसानी से ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे है जिससे आप एक कैनकन स्कर्ट लेके आपके काफी सारे ड्रेसेस को एक नया और फ्लफी लुक दे सकते हैं। और ये कैनकन स्कर्ट को आप एक बार परचेज करके इन्हें काफी सारे ड्रेसेस के साथ में इजीली पेयर अप कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप साड़ीज को भी लहंगा में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं, वैसा कुछ पहनने का प्लान कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी अगर आप कैनकन स्कर्ट को पहन के साड़ी को उसके ऊपर ड्रेप करेंगे लहंगा स्टाइल में, तो जो साड़ी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम फ्लफी दिखेगी और आपकी साड़ी कंप्लीट एक आपको लहंगा लुक देगी। तो मैं आपको इस कैनकन स्कर्ट को एक बार और अच्छे तरीके से दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक इस तरीके का स्कर्ट मिल जाएगा आपको, ये कंप्लीट इस तरीके का घेरदार स्कर्ट होता है। आप देख सकते हैं कि इसका घेर कितना बड़ा, और ये पूरा आपको इस तरीके का इसमें नीचे एक हुक मिल जाएगा। इसकी वजह से ड्रेसेस का लुक बहुत ही प्यारा आता है इसे पहनने के बाद। अब ये जो भी कैनकन स्कर्ट है ऑनलाइन, इनमें आपको साइज नहीं मिलेंगे डिफरेंट, आपको इसमें एक ही साइज मिलेगा और ये यूनिवर्सल साइज है। और एक्चुअली क्या है, इसमें ये जो इलास्टिक दी हुई है इसकी वजह से मोस्टली सारे साइज वालों को आ जाएगा। आई
थिंक मे बी एक्सेल और डबल एक्सेल साइज वालों को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इसे वेयर करना, बट एस एम एंड एल साइज वालों को ये बहुत ही ईजिली फिट हो जाएगा और आपके ड्रेस को ये कम्प्लीटली एक नया लुक देगा। तो चलिए इस कैनकैन स्कर्ट को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसे वेयर करने के बाद आपके ड्रेस का जो लुक है वो किस तरीके का आएगा। तो ये मेरे पास एक इंडिया ब्रांड का काफ़ी घेरदार स्कर्ट है। स्कर्ट का घेर तो काफ़ी अच्छा है लेकिन पहनने पे इसका लुक उतना भी परफेक्ट नहीं आता। आप देख सकते हैं कि एकदम स्ट्रेट सा ये स्कर्ट दिखता है। तो अब इस स्कर्ट को हम एक बार ट्राई करेंगे कैनकैन स्कर्ट के साथ और देखेंगे कि कैनकैन स्कर्ट को पहनने के बाद इसका लुक कैसा आएगा। और आप देख सकते हैं कि कैनकैन स्कर्ट को पहनने के बाद जो हमारा स्कर्ट है वो एकदम फ्लफी हो गया है और इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है। आप देख सकते हैं कि लहंगा एकदम घेरदार हो गया है और बहुत ही प्यारा इसका लुक आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने स्कर्ट को आयरन नहीं किया इसलिए मे बी आपको थोड़ा सा स्कर्ट मैसी लग रहा होगा, बट आप लुक देख सकते हैं कि इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है कैनकैन स्कर्ट को वेयर करने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि स्कर्ट बहुत ही प्यारा लग रहा है और ये कंप्लीट आपके ड्रेस को एक नया लुक दे रहा है। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।